हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लेकर आई हूँ सेकेंड ईयर के लिए, वो करिकुलम का है। कल हम लोगों ने नॉलेज एंड करिकुलम जो स्टार्ट किया था, तो कल हम लोगों ने नॉलेज का किया था कि नॉलेज के डेफिनेशन, नॉलेज की प्रकृति, नॉलेज की विशेषता, ये सब देखा था। तो आज हम लोग करिकुलम का देखेंगे, ये करिकुलम का मीनिंग क्या है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है, करिकुलम उसमें भी था, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। तो ये दोनों में सेम ही है। एक्चुअली में हम लोग को करिकुलम का मीनिंग समझना है, उसकी विशेषताएं समझनी है, उसका उद्देश्य समझना है, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें समझनी है। तो आज हम लोग यही करेंगे। फिर उसके बाद से कल मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी इसका, तो जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सीटेट का क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रात को 8 बजे जो है सीटेट का क्लास होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं डेवलपमेंट के ऊपर में, तो जो डेवलपमेंट के ऊपर में जो क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो काइंडली ज्वाइन कीजिएगा 8 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, ये जो हम बोल रहे हैं आप जैसे जानते हैं इसमें जो चल रहा है कि करिकुलम, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, करिकुलम क्या है, इसके मीनिंग के बारे में पहले हम जानेंगे। तो पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। ठीक है, करिकुलम क्या है, एजुकेशन का जो है वो आधार है, एजुकेशन का जो है ये आधार है जिसके रास्ते पे चल करके क्या किया जाता है, जिसके रास्ते पे चल करके शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है, ये होता है करिकुलम। मतलब कि एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो हम पूरा हम किसके थ्रू करते हैं, करिकुलम के थ्रू करते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स जो अपना लर्निंग करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो ये लर्निंग का उनका जो प्रोसेस होता है वो इसी से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के आगे बढ़ाने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। एक्चुअली में पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है हम ही निर्माण करते हैं, हम ही बनाते हैं, तो हम उसके नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि ज़रूरत है बच्चों को उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो उनके एजुकेशन के लिए ज़रूरत है तो हम उस तरह से बनाते हैं, तो बच्चों का जो है वो अधिगम में मदद करता है, एजुकेशन में मदद करता है। तो ये हो गया मीनिंग, जो हम लोग इन शॉर्ट अगर बोले तो मीनिंग वो होता है, मीनिंग ये है कि ये एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करता है, या ये भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के लर्निंग में सहायता प्रदान करता है, ये भी हो जाएगा करिकुलम का मीनिंग। आइए चलिए देखते हैं आगे इसका क्या है, परिभाषा देखेंगे, परिभाषा डेफिनेशन देखना जरूरी है। 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कनिंघम का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये VVI काइंड ऑफ जो है ये है कनिंघम का। क्यों? क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, इस पे एक क्वेश्चन आता है कनिंघम को लेकर के। आगे जाके इसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी कि करिकुलम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए क्या कनिंघम ने कहा है, कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वो पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। मतलब कि कनिंघम ने, आप ये बोल सकते हैं कनिंघम ने टीचर को एक कुम्हार की तरह से कंपेयर किया कि वो जो है पदार्थ, दैट मीन्स कि स्टूडेंट को अपने जो भी उसका नॉलेज है, जो भी उसको पता है वो पाठ्यक्रम उस साधन से जो है वो उसको एग्जैक्टली वे में ढाल सकता है, बना सकता है। तो ये कनिंघम का ये है, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत बहुत VVI काइंड ऑफ है और इस पर क्वेश्चन रहता ही है। सेकेंड है हॉर्न के अनुसार, हॉर्न क्या कहना है, हॉर्न का कहना है कि पाठ्यक्रम हुआ है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है, इससे उद्योग व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित है।
इनका हॉर्न का कहना सिंपल है, सही बात है कि जो पाठ्यक्रम है वो हम लोगों को रियल लाइफ से जो है वो मैच करता है, अपने लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करता है, हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज को हम अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अपने काम में यूज़ करते हैं, तो हम अपने सरवाइव कर पाते हैं। ये हॉर्न का है, यह है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, इनका क्या कहना है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, तो इनका ये कहना है कि इनका ये कहना है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है। मतलब माध्यमिक शिक्षा के आयोग ने कहा है कि करिकुलम वो नहीं होता है कि पुराने तरीके से जो चला आ रहा था वैसे आप बैठ करके उनको समझाएं, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रिया आ जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। करिकुलम के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि बुक इज नॉलेज तो है ही, बुक का नॉलेज देना जरूरी है, साथ में उनको बाकी एक्टिविटीज़ के थ्रू बाहर की दुनिया में एक्चुअली में क्या चल रहा है उससे भी अवगत कराना करिकुलम का ही काम है। तो ये तीन जो है बहुत एंड बहुत इम्पॉर्टेंट आपको मिल गए हैं क्या, ये तीनों तीनों के तीनों जो हैं आपके मेन परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो इसको आपको करना है और इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जा कनिंगम का तो मतलब क्वेश्चन ही आ जाता है, जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आ जाता है। हॉर्न के ऊपर का भी आ सकता है डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ से कंपेयर किया है माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, तो ये तीन का हो गया। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब आइए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता भी रही थी कि पाठ्यक्रम एक ऐसा है, करिकुलम ऐसा है जिसको हम बनाते हैं, जिसको हम समाज के जरूरत के अनुसार बनाते हैं, जो स्टूडेंट के लिए सही होता है वो हम बनाते हैं। ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, और चेंज करने वाले भी हम ही लोग हैं, हमारा ही एक संघ होता है, हमारी एक संस्था होती है, तो ये निरंतर इसमें बदलाव किए जाते हैं। यही है पाठ्यक्रम, पहला विशेषता यही हुआ कि ये लचीला है, इसको चेंज किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड इसमें है शिक्षा के उद्देश्य, इसमें जो है आपको बताया जा रहा है शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। पाठ्य के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। जाहिर सी बात है, जैसा आप करिकुलम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को फॉलो करवाया जाएगा, वो एक प्लानिंग होता है करिकुलम, उसी के द्वारा बच्चों को फॉलो करवाया जाएगा, तो बच्चों की पर्सनालिटी भी वैसे ही बनेगी। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम तो बन गया लेकिन इसको पूरा कौन करता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, वो होते हैं स्कूल और टीचर्स। ठीक है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, करिकुलम के थ्रू बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाया जाता है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है, पाठ्यक्रम के थ्रू जो है बच्चों में खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है उसको उसमें उन लोगों में लाया जाता है। तो ये हो गया पाठ्यक्रम की विशेषता, जो कि मैं पॉइंट में इस तरह से आपको बताई हूँ, जब आपको ये एग्जाम में आएगा तो डील करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आइए कि प्रोसेस क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने का प्रोसेस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे बनता है भाई, इसको भी तो जानना जरूरी है। चलिए देखिए इसमें क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक भावात्मक एंड क्रियात्मक कॉग्निटिव अफेक्टिव एप्लीकेशन पक्ष के विकास के आधार किया जाता है। तो देखिए पाठ्यक्रम बनाते इस टाइम में हमें क्या क्या देखा जाता है, मान लीजिए कि 6 to 8 के बच्चों के लिए, माध्यमिक क्लास के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम करिकुलम बनाना है, तो हमें ये तो देखना होगा उसमें कि कौन से एज के बच्चे आते हैं,
फिर दूसरा हमें ये देखना होगा कि उस समय उनकी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास उस समय कितना हुआ रहता है। फिर हमें ये देखना होगा क्रिएटिविटी उनमें कितनी हुई रहती है और कितना हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इमोशनल वे में भी देखना होगा कि वो भी भावना, वो भी एक फीलिंग है तो वो भी उनमें डेवलप होना चाहिए, तो किस एक्टिविटी के थ्रू या किस पाठ्यक्रम के किस चीज़ के थ्रू उनको डेवलप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो स्टूडेंट्स को ही एनालाइज करके रखा जाता है और फिर बनाया जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा है समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस समाज में बच्चे जो रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देखकर ही करिकुलम का निर्माण होता है। थर्ड है पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, पहले उसकी प्लानिंग होती है कि उसको कैसे बनाना है। फिर है पाठ्यक्रम के अनुसार टीचिंग मेथड का विकास करना, टीचिंग मेथड कौन सा यूज करना है ये भी देखना पड़ता है। चलिए, पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका इवेल्युएशन करना, ऐसा नहीं कि हो गया बन गया तो बन गया, हेडक खत्म हुआ चलो, नहीं, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि सही तरीके से बना है कि नहीं, या कुछ फ्लॉज हैं कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण विषय विशेषज्ञ या बुद्धि इंटेलेक्चुअल लोग ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर है तो वो बना सकता है। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग वही बनाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारा ये पॉइंट भी खत्म हुआ, आगे देखते हैं। आगे हमारा पाठ्यक्रम के ये उसी में का है, उसी में का एक और पॉइंट है, पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय समय मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को ध्यान में रखते हैं, रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए, पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भी देखा जाता है, सोसाइटी को भी देखा जाता है, फिलोसफिकल भी देखा जाता है, सब एस्पेक्ट को देखते हुए बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास में लाभदायक हो। तो जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो अच्छी तरीके से देखा जाता है पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों के लिए लाभदायक हो। तो ये हो गया पाठ्यक्रम बनाने निर्माण करते करने का प्रोसेस। आइए अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है पाठ्यक्रम का। देखिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के क्या है उद्देश्य, क्यों बनाते हैं, तो हम भी कॉमनली अगर भी आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे हाँ कि ताकि बच्चों का जो है अगर ये कैरेक्टराइज इसको हम लोग ये करके कुछ भागों में बांट करके बोले तो उनका विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, उनका शारीरिक डेवलपमेंट हो, उनका हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए करते हैं। तो उद्देश्य इसका यही है कि कॉग्निटिव भावात्मक एंड क्रियात्मक पक्ष का विकास हो। इसमें ये तीनों चीज़ों में सब कुछ आ जाता है, उनका कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, मेंटल आप बोल सकते हैं उसको, फीलिंग वाइज भावात्मक इमोशन उनका, क्रियात्मक क्रिएटिविटी, ये तीनों पक्ष जो है उनका डेवलप हो। इसलिए पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य यही होता है कि उसको इसलिए बनाया जाता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी है। ये तो तीन चीज हो गए पाठ्यक्रम के, लेकिन पाठ्यक्रम का ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चों में मोरल डेवलपमेंट भी हो, मैनर्स भी आए, उनका कैरेक्टर भी डेवलप करे, तो ये चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनकी उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास ये भी बोल सकते हैं करना होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विवरण करना, मतलब कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद से सोसाइटी की तरफ क्या फीलिंग होनी चाहिए, अपने देश के लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है पाठ्यक्रम बनाते टाइम में। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। अब आइए हम देखते हैं
और भी है जीविकापार्जन के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए भी पाठ्यक्रम देखा जाता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें यूज़ करें जो रियल लाइफ में होता हो, जब वो पढ़ करके निकले, डिग्री लेकर के निकले, तो उनके लिए यूज़फुल हो और वो कहीं जॉब कर सके, अपने आप को सर्वाइव करे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाए, जिस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं वो, उसके लिए वो पाठ्यक्रम बनाया जाता है। छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना, मतलब छात्र स्टूडेंट जैसे समझते हैं उसका लेवल भी इजी किया जाता है पाठ्यक्रम के थ्रू। छात्रों के व्यवहारों में श्रेष्ठता लाना, उनके बिहेवियर में जो है बेस्ट एंड बेस्ट लाना, मैनरफुल हो, किससे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे, मतलब हर एक चीज में, ओवरऑल बिहेवियर में उनका बेस्ट एंड बेस्ट लाना, ये करिकुलम का पार्ट होता है, उद्देश्य होता है। अब आइए, अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं इस पर्टिकुलर इस करिकुलम से। ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए है, ये करिकुलम बेस्ड जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पाठ्यक्रम शब्द हिंदी अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, ये सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, आप वो बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। अगर एक वर्ड वाला आंसर रहा तो क्या बोलेंगे इसको, दौड़ का मैदान बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। सेकेंड है, कनिंघम की परिभाषा के अनुसार कलाकार और साधन का अर्थ क्या है। अभी कनिंघम वाला परिभाषा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर है। कनिंघम की परिभाषा के अनुसार कलाकार का अर्थ शिक्षक से है और साधन से अभिप्राय पाठ्यक्रम है। देख लिए कैसा क्वेश्चन हुआ, ये ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन लॉन्ग में भी आता है कि कनिंघम ने ये जो परिभाषा दी है इसको आप डील कीजिए, इसको अच्छे तरीके से समझाइए, वो भी आता है, तो देख लीजिएगा इसको। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है, जो करिकुलम होता है उसका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप क्या है, हम लोगों ने अभी बात ही किया, चेंजेबल है, ये चेंज होते रहता है, लचीला है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस को चेंज करते रहते हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किन आधारों पर किया जाता है, तो निर्माण करने के लिए तीन चीजें याद रखिएगा, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इन तीन आधारों पे किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, तो भी आप इसको थोड़ा सा डील कर देंगे, हो जाएगा ये। और क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन थे, इस ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग में, शॉर्ट में, सब तरीके से आएंगे, लेकिन उसको आपको डील कर लेना है। चलिए, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये सारे के सारे जो मेन मेन एंड मेन था पाठ्यक्रम, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य सब हमने कर लिया। अब हम कल के क्वेश्चन, कल के क्लास में देखेंगे कि नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सो फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।